गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। तो अबाउट द पोएट कमला दास जो थी, इन्होंने ये पोएम लिखी है। 1934 वाज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ हर, एंड इन 2009 शी वाज बॉर्न इन मालाबार केरला। शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनैलिटी, वर्सैटिलिटी and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot and the Other Stories, 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtitles of human relationship in lyrical idioms. Now, she was a renowned authoress. She has written so many poems, including with dramas and literature. She was known in the literature world by the name of Madhavi Kutti. His famous works of a novel is Alphabet of Lust, a collection of short stories, was also been published in 1992. So there are several books which she wrote, and while we are studying her, a common aroma of the soil has been reflecting over it. So now we are going to study the lesson of my mother at 66. So before you read, aging is a natural process. Have you ever thought whatever elderly parents expect from us? Aging means today I am 37 years old. But after 10 years, I will be 47. After 20 years, I will be 57. After 30 years, I will be 67. So my thinking become changing as the days will go on. So here comes the first paragraph of this poem. Driving from my parents' home to Cochin, last Friday morning, I saw my mother beside me. So first line has been reflecting it. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब मैं वापस आ रही थी पिछले शुक्रवार को अपने मदर के यहाँ से, आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज, मैंने अपनी माँ को देखा, वो मेरे बगल में बैठी थी, ओपन माउथ, हर फेस अशेन लाइक दैट एज अ कॉप्स एंड रिलैक्स्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट द थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। मैं और मेरी माँ जब कार से वापस आ रहे थे अपने घर से, तो मैंने मेरी माँ की तरफ देखा, उनका चेहरा पीला दिखाई दे रहा था, वो बूढ़ी दिखाई दे रही थी। साथ साथ उनके साथ जो एक समस्या थी कि वो और बूढ़ी दिखाई दे रही थी, वो परेशान सी दिख रही थी। अचानक ही मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने जो है अचानक ही ऑथर को पता नहीं क्या हुआ कि उसने अपना चेहरा उसके वृद्ध चेहरे से हटा के बाहर जो नए नए पेड़ उगे थे उसकी तरफ लगा लिया। बट सी वॉज एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards. The merry children, जो बच्चे वहाँ खुशियाँ मना रहे थे, अपने घरों से बाहर निकल के उछल कुल मचा रहे थे, ये सब मैं देखने लगी। बट लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक आया स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मेरे कुछ कदमों से थोड़ी बहुत दूर पे, कदमों से कुछ दूरी पे जब आया ये मेरा एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पे, मैंने फिर से उसकी तरफ देखा, पूर्णमासी का जो चंद्रमा शुरुआती होता है उसकी तरह वो दिख रही थी, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, इतनी बूढ़ी दिख रही थी। जब ऑथर ने अपनी माँ की तरफ देखा सिक्योरिटी चेक पे, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पे जब उसने देखा, तो उसने देखा कि मेरी माँ उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, उसका चेहरा बुरी तरीके से पेल पुराना जो है पीला पीला सा पड़ा हुआ दिख रहा था। फैमिलियर एज अ प्लेट विंटर सून्स एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्ड हुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। उस समय लेखिका ये सोच रही थी कि मैं इससे बोलूँ क्या क्या कहूँ, कि उसके मुँह से बहुत कुछ निकलना चाहता, तो बहुत कुछ बताना चाहती थी। दैट शी लव्स हर मदर सो मच,
कि वो अपने माँ से बहुत प्यार करती है, बहुत उसको चाहती है, उसका बहुत ख्याल रखना चाहती है, बट काम के दबाव में आके हर बच्चा अपने घर को कभी ना कभी छोड़ ही देता है। वही इसके साथ भी हो रहा था। वो बहुत कुछ तो कहना चाहती थी बट वो कह कुछ भी नहीं पाई, और उसने केवल इतना कहा कि मैं जल्दी तुमसे मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। हर बार जो मैं अपनी माँ को जिस चीज़ को दिखाती थी वो केवल होता है कि स्माइल। भले ही बच्चा भी अपने माँ से बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन उसके पास भी उसका कैरियर और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हर माँ अपने बच्चे के चेहरे पे देखना चाहती है वो स्माइल। तो जो ऑथरेस थी, जो पोएटेस थी इस पोएम की, वो हर बार अपने माँ को केवल एक ही चीज़ दिखाती थी, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये रहे इसके पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। तो यहाँ पर दिया गया है ये माई चाइल्डहुड फियर, जैसा कि मैं छोटे पे सोचता था। छोटे पे बच्चा क्या सोचता है, माँ कैसे, माँ चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। तो ये जो पेन था वो लूजिंग ऑफ हर मदर का था। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब ये था कि वो कट रहे थे, निकल रहे थे भाई। यंग पेड़ जब निकले जा रहे थे उसके बाद आने वाले ट्रीज जो ओल्ड थे, यानी कि स्प्रिंटिंग का मतलब है एजिंग का मतलब, एजिंग हो रही है उनकी। वाई एज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। छोटे पे सब बच्चे खुश होते हैं, वो जानते हैं हमारे माँ बाप कभी कहीं नहीं जाएंगे इस वजह से। वाई एज द मदर बीन कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मून से इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि वो चंद्रमा ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट फॉर मोर टाइम। वॉट डू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर सिंबली सिग्निफाई। स्माइल सिग्निफाई, ये पार्टिंग का मतलब है कि वो अब की बार जब छोड़ के जा रही है उसकी माँ को, तो शायद ही दोबारा उससे मिल पाए। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि पूरी की पूरी पोएम एक सेंटेंस ही है, पंक्चुएटेड बाय कॉमा, जिसको कॉमा से पंक्चुएट किया गया है। इट इंडिकेट अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट। ये दिखाया गया है कि सारे के सारे विचार एक ही धागे में प्रयोग किए हैं, विद ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड एंड द वे दीज आर द कनेक्टेड विद द मेन आइडिया। इसको दिखाया गया है कि कैसे ये मेन आइडिया और आसपास का जो रियल वर्ल्ड है उससे इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।